बिग बॉस 13 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाव उर्फ विशाल फाटक के बिग बॉस में आने के बाद से ही वो घर के हर कंटेस्टेंट को एंटरटेन कर रहे हैं, जिस वजह से शहनाज कौर गिल को ये डर है कि कहीं उनकी इस शो में पॉपुलैरिटी खत्म ना हो जाए। और इसी वजह से जिस दिन से हिंदुस्तानी भाव घर में आए हैं उस दिन से सना सतर्क हो गई है और बड़ा सोच समझ कर खेल रही है। वही एक वीकेंड के वार में सलमान ने भाव को बोला था कि वो उन्हें थप्पड़ लगाएंगे। इसका जवाब भाव ने दिया कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मुझे थप्पड़ मार सके, सिर्फ एक ही थप्पड़ आज तक मुझे मारा गया है, वो भी आज से 10 से 12 साल पहले। हिंदुस्तानी भाव को YouTube चैनल से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि वो अपने चैनल पर भारत के खिलाफ बोलने वालों को गालियों से समझाते हैं, वो भी अपने अलग अंदाज में, जिस वजह से उन्हें बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुलाया गया था। वहीं उनके गेम की बात करें तो वो गेम काफी अच्छे से खेल रहे हैं और घर के लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन भी कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पर एक वीकेंड के वार में सलमान खान ने भाव को बोला था कि वो उन्हें थप्पड़ मारेंगे, जिसके जवाब में भाव ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और मुझे सिर्फ आज तक एक ही थप्पड़ मारा गया है, वो भी आज से 10 से 12 साल पहले। भाव ने जिनके बारे में वीकेंड के वार में बात की थी वो भाव के बचपन के दोस्त थे जिन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा था। उनका नाम है सुनील शिंदे। सुनील ने बताया है कि उन्होंने भाव को इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि उन्होंने उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिस वजह से उन्हें सुनील ने थप्पड़ मारा था। बिग बॉस की इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।